ऐसा लगता है कुछ भी खाया नहीं जाता, खाता हूं तो स्वाद युक्त नहीं लगता मुझे। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जैसे गले में कोई चीज़ का चुभना, फर्स्ट वो इंडिकेट करता है टॉन्सिल को। जी दूसरा वो इंडिकेट करता है कि वात और कफ बढ़ जाने से भी ये सिचुएशन होती है, या थ्रोट में इंटरनली इन्फेक्शन हो रहा है। जी इन सारी बीमारियों का रिलेशन लीवर इन्फेक्शन से होता है। अगर लीवर इन्फेक्शन है, लंग्स में कार्बन जमा हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है। बाकी मैं छोटा सा इलाज बताऊंगा आपको, अगर अपने घर में रहते हुए तुलसी, लौंग, काली मिर्च, सौंठ और गुड़, इसका काढ़ा बना ले। काढ़ा बना करके जब नीचे उतार ले, नीचे उतार करके उसमें एक नींबू के चौथाई हिस्से नींबू का रस मिला करके दिन में 3 बार पिए, आपको इससे राहत मिल जाएगी। फिर कई बार आहार नाल श्वास नाल के बीच अगर कोई गांठ है, तो गांठ है तो वो किस चीज़ की गांठ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए डायग्नोसिस किया जाएगा, और जब हमें पता लग जाए कि इसका रीज़न क्या है, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, हमें ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे और हम बीमारियों से घिरते रह जाएंगे और उनसे परेशान होकर घुटने टेक देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारा शरीर है, हमारी बीमारी है, तो इसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, तो फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप फ़ोन के स्वामी जी से बात कर सकते हैं, उनसे भेंट भी कर सकते हैं। सद्गुरु सेवा केंद्र पर स्वामी जी आपको मिलेंगे, उनसे बात कीजिएगा, अपनी समस्या को बताइएगा और उसका निदान प्राप्त कीजिएगा। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ कहाँ फैलती है और कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव देती है। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रभाव तो पूरे बॉडी पे हो जाता है, और इसका अगर डीप करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बाद में आदमी जो है जिंदा लाश बन जाता है। जी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है, और बढ़ जाए तो आप बंदा जो है कोमा में भी चला जाता है। समझ रहे हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ज़्यादातर लोगों में यहाँ बैक साइड में L4, L5 में पाया जाता है, L1 में पाया जाता है, इधर गर्दन पे भी पाया जाता है। अब इसकी एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा वेट अट्रैक्शन करेंगे, गले का पट्टा दे देंगे, कैल्शियम की टेबलेट, पेन किलर मेडिसिन, एक्सटर्नल जो आप मालिश के लिए ट्यूब या आयलमेंट, यही दे सकते हैं। जी तो ये अगर मान लीजिए L4, L5 में नस में है, ये नस में ब्लॉकेज होने लगी, तो सारी मेडुलोज्जा से लिपट के नसें ब्रेन को गई हुई हैं। अब ब्रेन पे अगर चली गई और इस कंडीशन में फीवर आ गया तो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस बीमारी का हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता टोटल है। दिमाग पे ही पड़ता है, पूरे बॉडी में पड़ता है ना। जी, हमारे जी। जितनी भी बेंस है वो रिटर्न वेरिकोज बेंस है ना, एक से सीधे जा रही तो दूसरे से संचालित हो रही है। जी, जी, जी। और हमारे ब्रेन में 150 बीटा सेल्स और 6 सिक्वेंसेस है ना, जी। सारे रक्त संचार पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर ये हमारी नस दबती है तभी होता है ना। अगर मान लीजिए वो कैल्शियम ज्यादा खींच गया, लिगामेंट ज्यादा खींच गया, वहां इंजरी भी बन सकता है, वहाँ पर कैंसर भी हो सकता है, वहाँ पर टीबी भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादातर लोगों को संभाल करके रहने की ज़रूरत होती है, और इसका साइड इफेक्ट पूरी बॉडी पे है, जिंदा लाश बना देता है ये एक तरीके से। जी जी जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है? नहीं है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक लोगों की मिथ्या होती है कि ये मेरी मम्मी को था या मेरे पापा को था, तो इस वजह से मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो इस मिथ्या को दूर कीजिए। देखिए, ऐसा एक भ्रांतिवाद है कि मम्मी को था, पापा को था, लेकिन जैसे डायबिटिक है वो जेनेटिक में आ सकती है, और बीमारियां होती हैं, लेकिन ये स्पॉन्डिलाइसिस का लेना देना जेनेटिक नहीं है, या आनुवंशिक बीमारी नहीं है। बाकी अगर हम अपने शरीर को संभाल के नहीं रखते हैं, बिल्कुल शादी का गिफ्ट, बर्थडे का गिफ्ट संभाल के रखते हैं, और परमात्मा ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया, इसको संभाल के नहीं रखते हैं, तो मेरे ख्याल से बीमारी को न्योता देते हैं। और आजकल युवा वर्ग थोड़ा सा एक स्टेटस से मिल के, मैं स्लिम दिखना चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, क्योंकि उनका एक थिंग्स है ना कि भाई मैं सुंदर दिखूं तो लोग अट्रैक्ट होंगे। भाई बहन, आपसे कोई अट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन रोग जरूर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हेल्थी फ्रूट्स खाइए और हेल्थी डाइट लीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज समथिंग।
जी, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों, हमारा शरीर, हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण तोहफा है। इस तोहफे को संभाल कर रखिए, इस तोहफे की देखभाल कीजिए। बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, इनको संभाल कर रखने की बजाय आप अपने शरीर को संभालिए, अपने शरीर को संवारिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ऐसा तोहफा है जो एक बार मिलने के बाद या एक बार जाने के बाद आपको दोबारा बहुत मुश्किल से हासिल होगा। अगर आप किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उसका निदान नहीं मिल रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो परेशान ना हो, हर समस्या का समाधान होता है और निश्चित ही उसका समाधान हमारे इस प्रोग्राम में है। तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी आपकी सभी समस्याओं का निदान करेंगे, आपको रोगों से मुक्त कराने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। स्वामी जी, आजकल यूथ में देखा जाता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी फिट करनी है, योगा करना है, तमाम तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर का इस पर भी ये भी एक वजह है? देखिए जी, ज्यादातर अगर हम बात करेंगे जिम की, बिल्कुल, एक्सरसाइजेस की या योगा की, तो मैं आज आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पूरे विश्व में जी, जितने जितने योगाचार्य हैं, शायद मैं कड़वा हूँ, मुझे सुनने की आदत भी है और मैं हमेशा सुनता हूँ, तो योग का ज्ञान ही नहीं है उनको जी। योग उसे कहते हैं जो एक अयोग्य को भी योग्य बना दे। योगा कोई नहीं सिखा सकता है किसी को, ना कोई संसारी व्यक्ति योगा कर सकता है। योग के जो मूल पांच लक्षण, सात लक्षण हैं, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ध्यान, धारणा और समाधि, ये उस योग की बात है जीवात्मा को परमात्मा को पाने के लिए। अष्टांग योग है, आठ प्रकार के योग है हमारे यहाँ, कर्म योग है, हठ योग है, सिद्धि योग है, साधना योग है, लेकिन हम जिस योग की बात करते हैं यह योग नहीं है, ये देव योनि के आयाम और